हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोधन तथा व्यसन मुझे तज्ञ हूँ। आज मैं कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने भाग एक में मैंने आपको बताया ऑब्सेशन के बारे में, ओसीडी के बारे में, ओसीडी का जो ऑब्सेशन है उसके बारे में भी बताऊँगा, कंपल्शन के बारे में। इसमें होता क्या है कि कंपल्शन मतलब वो व्यक्ति को बार 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 कृति करने की इच्छा होती है और वो कृति करता है और उसको लगता है कि मैं ये कृति करूँ नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, कुछ तो भी बुरा हो जाएगा, कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब उसको जो बार बार विचार आते हैं वो विचारों को कैंसिल करने के लिए, विचारों से छुटकारा पाने के लिए, उससे जो घबराहट आती है, उससे जो अनइजीनेस रहता है, घबराहट बेचैनी रहती है, उससे छुटकारा पाने के लिए उसको कुछ तो भी कृति करनी पड़ती है और वो करता है तब तो उसको अच्छा लगता है। तो उसमें क्या होता है कि भाई हाथ धोना ये बहुत कॉमन है, बार 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 हाथ धोना बहुत ही कॉमन है। लोग सैकड़ों लीटर पानी उसमें गंवा देते हैं। बार बार स्नान करना, बार बार कपड़े धोना, फिर किसको आज्ञा देना, मतलब ऑर्डर देना, तू ये कर, तू वो कर, ऐसे ऑर्डर किसको तो भी देना, चेकिंग करना, ऐसा मतलब खिड़कियाँ या दरवाजे उसका जो बोल्ट है वो बार 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 जाके चेक करना, फिर से चेक करना, फिर से चेक करना, ऐसा भगवान को जाके नमस्ते करना, बार बार नमस्कार करना भगवान को जाके बार 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 बार, या कोई मंदिर में जाके बार 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 दर्शन लेना, प्रार्थना करना अपने मन के मन में अंदर, या मन के अंदर कोई गिनती करना बार बार, या फिर ऐसा कुछ तो भी मतलब कुछ तो भी मेंटल एक्ट, नंबर गिनना, नंबर भी गिन सकते हैं ऐसे, है ना। तो ऐसा कुछ तो भी करते रहते कि एक ही शब्द बार बार बोलना है। कुछ लोग ऐसे करते कि तीन बार एक बार बोला, तीन बार कि फिर एक बार काउंट करूँगा, ऐसा तीन बार बोलते मतलब नौ बार हो गया, और वो कंपल्शन नहीं किया तो घबराहट होती, बहुत ज़्यादा घबराहट होती। उनको मालूम है कि ये विचार फालतू है, ये उनके खुद की निपज है, उनकी उपज है खुद की, ये फालतू है, ये ज़्यादा मात्रा में है, और एक कृति एक विचार जो है वो 1 घंटे तक वो बार बार करते रहता है। कुछ विचार उसको बहुत ही बुरे आते हैं, जैसे सेक्स के बारे में विचार आते हैं कि घर के कोई रिश्तेदारों के साथ में या घर के फैमिली मेम्बर के साथ में वो सेक्स कर रहा है, ऐसे विचार आते हैं, या भगवान के साथ में सेक्स कर रहा है ऐसे विचार आते हैं, या भगवान मेरा कुछ बुरा करेगा ऐसे विचार आते हैं, या मैं मेरे बच्चे का गला घोट दूंगी ऐसे विचार कोई लेडी को आते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो ऐसे आते रहते हैं। ये ओसीडी जो है उसके साथ साथ बाकी बीमारियां भी देखी गई है, जैसा कि 67% 67% लोगों को डिप्रेशन है ऐसा मालूम पड़ा, और 25% लोगों को सोशल फोबिया है, सामाजिक भय, समाज में जाने का भय, और उसके साथ साथ काफ़ी लोगों को ओसीडी के मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लोगों को शराब का नशा, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फिर फोबिया मतलब अति भय या दुर्भीति, पैनिक डिसऑर्डर, ऐसे काफ़ी अलग अलग बीमारियां उनको दिखी, मतलब और वो ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। इसका कारण जो है वो है जेनेटिक, वो इतना प्रूव नहीं हुआ अभी तक, मगर ये बताया गया है कि माता पिता में से किसी को अगर यदि बीमारी है तो बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है कि बच्चे माता पिता से भी सीखते होंगे। और दूसरा एक कारण है जो है कि डिसरेगुलेशन ऑफ सेरोटोनिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल ब्रेन में है उसका जो है वो रेगुलेशन जो है वो बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से विचार आते हैं ऐसा रिसर्च बोलता है। तो भी इसका इलाज क्या है, ये सब होता है तो, और अलग अलग प्रकार के कितने कितने ऐसे कंपल्शन है, कितने ऑब्सेशन है, वो मैं मेरे अगले वीडियो बताऊंगा भाग तीन में। अभी तक इतना ही। क्या होता है कि लोग शर्माते हैं डॉक्टर के पास में जाने के लिए, लोग छुपाते हैं बीमारी को। अच्छा, किसको मालूम ही नहीं कि मानसिक बीमारी है, ऐसे कुछ लोग हैं, तो साइकेट्रिस्ट के पास में न जाने से बीमारी पुरानी पुरानी हो जाती है। आप जरूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, 100 में से 2-3 लोगों को ही बीमारी है, मतलब 2-3% लोगों को, 2-3% लोगों को ही बीमारी है। लोगों को ये जरूर वीडियो शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और उसके बाद में जो घंटी आती है ना उसको भी क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहली बार देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं इसके बाद में पार्ट 3 और पार्ट 4 भी इसके बारे में बाद में डालने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।